वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है झटपट आलू भिंडी। झटपट आलू भिंडी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं। 1 किलो भिंडी, आधा किलो प्याज, 2 अदद आलू, 2 से 3 अदद टमाटर, 2 से 3 अदद लहसुन के जवे, 1 लीमू, 6 से 8 अदद हरी मिर्चें, और इसके बाद 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, अजवाइन आधा चम्मच, पीसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच और 1 चम्मच जीरे का। इसके बाद हम भिंडी को साफ करके दो कर छोटे छोटे छोटी छोटी काट लेंगे, और हम कढ़ाई में 2 कप ऑयल डालेंगे और इसमें लहसुन के जवे छोटे छोटे करके डाल देंगे, और फिर कटी हुई भिंडी डाल देंगे। कटी हुई भिंडी डालने के बाद हम इसको आहिस्ता सा हिलाएंगे और इसमें अजवाइन डाल देंगे और काली मिर्च डाल देंगे। काली मिर्च हम इसलिए डाल रहे हैं कि आपकी भिंडी टूटेगी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करें और इसको लाइट गोल्डन करें। लाइट गोल्डन हो गई है भिंडी, इसको प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इसी ऑयल में हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब इन कटे हुए प्याज़ों को आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है और इनको भी लाइट गोल्डन करना है। आप तो जो अदर 2 अदर जो आलू थे उनको ब्रीक स्लाइस में काट लेंगे और वो उसके अंदर डाल देंगे। अब ये दोनों चीज़ें आप मिक्स करेंगे और ये दोनों चीज़ें जब लाइट गोल्डन हो जाएंगी तो फिर हम इसमें जो ब्राउन हुई हुई हमारी भिंडी है वो उसको हम अंदर डाल देंगे। अब ये भिंडी और आलू और प्याज इकट्ठे हो गए हैं, उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे और मिर्च, नमक और हल्दी ये डाल देंगे और ज़ीरा भी डाल देंगे। इसके बाद कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको हलाएंगे। हलाने के बाद हम जो हमने 1 लीमू लिया था उसका रस निकाल कर इसमें डाल देंगे। ये लीमू का रस है, इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भिंडी हमारी दम पे लग गई है, 5 से 10 मिनट आप दम पे रखें और फिर डिश आउट कर लें और सलाद के साथ सर्व करें। बड़ा ही मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।